भुवनेश्वर स्थित कीट यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और किस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के परिसर का दृश्य देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी खुश दिखे। अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो इनका स्वागत संस्थान की ओर से किया गया। इसके जो फाउंडर है अच्युत सामंता ने इन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ की व्यवस्था से काफ़ी खुश दिखे और उन्होंने एक माह का वेतन देने की घोषणा की। आज जिस ट्रस्ट के माध्यम से किट्स और किस चलता है, मैं आज के इस शुभ अवसर पर कुछ तो लेके नहीं आया, लेकिन कुछ लेके जाने की मैं कोशिश में हूँ। लेकिन आज इस मंच से ये घोषणा करता हूँ कि आज इस संस्था को मैं कुछ दे तो नहीं पाया, लेकिन एक महीने का वेतन जरूर मैं इस संस्था को दूंगा। अपने पता नहीं 1-1.5 लाख रुपए हम लोगों को तनख्वाह मिलता है, उससे इस संस्था का क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन मेरी इच्छा है कि ये जुनून, ये हुनर मरे नहीं, ये जज्बा अब सामंता जी के साथ सबके मन में रहे, इसके लिए मैं ये योगदान करना चाहता हूँ। इसलिए एक महीने का वेतन मैं इस संस्था को देना चाहूँगा। सरकारी तौर पर तो हो सकता है कि मैं कुछ घोषणा कर सकता, लेकिन अभी मैं इस बात को मैंने जानकारी नहीं ली, लेकिन मेरे हाथ में जो है सो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के बेहतर और भविष्य उज्ज्वल के लिए। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, मान सम्मान और देश के प्रति और देश के और सही गलत के विषय में समझ पाने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। हमने तो कई तरीके से स्कॉलरशिप शुरू किए हैं। आज हमारे राज्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, जज पढ़ने के लिए, उसके लिए कोचिंग क्लास करने के लिए, कंपटीशन तैयारी करने के लिए जो भी बच्चों को जरूरत पड़ेगा उसका पूरा का पूरा सरकार खर्चा उठाएगी। ये कानून हमने बना दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे पढ़े किसी भी क्षेत्र में। क्योंकि गरीबी इस तरीके से है हमारे आदिवासी समाज के बीच में, कि थोड़ा सा और खास तौर पर लड़कियों के प्रति तो ये स्थिति है कि थोड़ी बड़ी हो गई तो दूल्हा ढूंढने लगता है सब माँ बाप लोग। वो समय खत्म हो गया। अब पुरुष महिला कदम से कदम मिला करके चलने का वक्त है। सबको बराबर ताकत और क्षमता देश में पैदा किया जा रहा है। और सब देशों में जाके देखें, खबरें देखें, आजकल बहुत व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आप लोग देखते हैं, और सब देशों में देखिए। देश की बात छोड़िए, अपने ही देश के अंदर देखें, हिमाचल चले जाइए, उधर आसपास में अगर नेपाल उपाल देख लें, उधर महिला बड़ी तेजी से काम करती है। उधर तो कभी कभी यह भी सुनने आता है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन इस कार्यक्रम को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए।